हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 बाल महाभारत के शॉर्ट क्वेश्चन अध्याय 15 से लेकर 17 तक के करेंगे। तो इसमें जो है हमने क्या पिक्चर्स के जो फोटो दी गई हैं उसके माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला जो अध्याय है, अध्याय 15, वो है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। जो द्रौपदी की क्या क्या उसमें मतलब उसका कितना अपमान होता है ये सब बताया गया और चौसर का खेल बताया गया, क्योंकि उन्होंने जो शकुनी था वो बहुत ज्यादा ही षड्यंत्रकारी था और उसने अपने षड्यंत्र से क्या किया कि युधिष्ठिर को हरा दिया और उसके बाद उसने द्रौपदी का भी बहुत ही ज्यादा अपमान कराया। तो ये सब इस अध्याय में बताया गया है। अब इसके हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न एक है, राजवंशों की क्या प्रथा थी? जो राजवंश थे उनकी प्रथा क्या थी? खेल के लिए आए निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वे क्या मानते थे? जो खेल के लिए निमंत्रण आता है उसको हम सभी अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रश्न दो, दुर्योधन ने चौसर के लिए अपनी जगह किसको खेलने को कहा था? उसने अपने मामा शकुनी को खेलने के लिए कहा था। प्रश्न तीन, युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गया था? युधिष्ठिर चौसर के खेल में अपना राज्य, प्रजा व अपने भाइयों को हार गया था। प्रश्न चार, शकुनी ने अंत में किसे दांव पर लगाने के लिए कहा? शकुनी ने अंत में अपनी उसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। प्रश्न पांच, दुर्योधन ने दुशासन को क्या आज्ञा दी? दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि सभा में द्रौपदी कर लेकर आओ। प्रश्न छह, दुशासन ने द्रौपदी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया? दुशासन ने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर दिए, गहने तोड़ फोड़ डाले और उसे बलपूर्वक घसीटते हुए ले आया। प्रश्न सात, द्रौपदी के चीरहन के समय भीम ने क्या प्रतिज्ञा ली? जब इतना दुर्व्यवहार किया गया किसके द्वारा? दुशासन के द्वारा, तो भीम जो थे उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली? तो देखिए, भीम ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत वंश पर बट्टा लगाने वाले दुशासन की छाती को न चीर दूं तब तक मैं इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये इस सीन में क्या दिखाया गया है, दुशासन उसके पल्ले को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, लेकिन पल्लाचल जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके हाथ ही दर्द होने लग जाते हैं, लेकिन उसका पल्ले को वो पूरे तरह से खींच नहीं सकता। और यहाँ पर क्या खेला जा रहा है? चौसर खेला जा रहा है। प्रश्न आठ, दोबारा खेले गए चौसर के खेल में क्या शर्त रखी गई? दोबारा खेले गए चौसर के खेल में यह शर्त रखी गई कि हारा और धल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक का वनवास करेगा और एक वर्ष अज्ञातवास करेगा। अज्ञातवास मतलब पता नहीं लगना चाहिए, अगर पता लग गया तो फिर दोबारा से उन्हें 12 वर्ष का और जो वनवास है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 16, धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र जी, यहाँ पर ये देखो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया, धृतराष्ट्र दिखाया गया है। धृतराष्ट्र बैठे हैं और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। वो क्यों चिंतित है? क्योंकि वो विदुर जो उनका मंत्री था उससे कई बार वो बहस कर बैठते थे और वो कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम पांडवों के पास चले जाओ। ऐसा कहकर वो क्या विदुर को कह देते हैं, तो विदुर भी गुस्सा मानकर पांडवों के पास चला जाता है। तब वो सुमन को कहते हैं कि सुमन, तुम उसे वापस लेके आओ। इसलिए इस पाठ में इस टाइप के वृतांत का वर्णन है। और धृतराष्ट्र जो था वो अपने पुत्रों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसकी बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर गहरा प्रभाव था? किसकी बुद्धिमत्ता का? विदुर की। प्रश्न दो, पांडव अपना वनवास काल कहाँ व्यतीत कर रहे थे? वह कहाँ व्यतीत कर रहे थे? वन में। प्रश्न तीन, धृतराष्ट्र ने दरबार में कौन कौन पधारे थे? कौन पधारे थे धृतराष्ट्र के दरबार में? महर्षि मैत्रेय। प्रश्न चार, कौन से वन में महर्षि को युधिष्ठिर से भेंट हो गई थी? कौन से वन में जो महर्षि के कई थे, मैत्रेयी थे, उनको कौन मिले थे? युधिष्ठिर मिले थे। वो कौन सा वन था? काम्यक वन। प्रश्न पांच, महर्षि मैत्रेय ने क्रोध में दुर्योधन से क्या कहा? वह प्यार से समझा रहे थे दुर्योधन को कि तुम युद्ध ना करो, वैर भाव ना करो, इससे वंश की हानि होगी। लेकिन वो तो अपनी जांग पर हाथ पटक पटक कर कह रहा था कि रहने दो। तब महर्षि जी को क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था और उन्होंने क्रोध में क्या कहा, इसका वर्णन ये है, दुर्योधन याद रखो, तुम्हें अपने घमंड का फल अवश्य ही मिलेगा। प्रश्न छह, श्री कृष्ण के साथ पांडवों से भेंट करने के लिए कौन कौन गया था? पांडवों से भेंट करने के लिए श्री कृष्ण गए तो वो उनके साथ अपने साथ किस किस को ले गए थे? कैकेयी को, भोज को, वृष्टि को, वृष्टि जाति के नेता चादीराज और धृष्टकेतु आदि गए थे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अध्याय, श्री कृष्ण अपने साथ किस किस को द्वारिकापुर लेकर आए थे? वे किसको लेके आए थे? अर्जुन की पत्नी सुभद्रा को और उनके पुत्र अभिमन्यु को द्वारिकापुर लेकर आए थे।
नाउ द नेक्स्ट अध्याय अध्याय 17 जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है भीम और हनुमान। एक बार द्रौपदी अपने जो अपने पति भीम से कहती है कि तुम जाओ और वन से मेरे लिए ऐसे सुंदर के सुंदर जैसे तुमने पहले दिए थे वैसे फूल ढूंढकर लेकर आओ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो वह वन की तरफ जाता है, वन में जाता है तो उसे एक बड़ा सा बंदर दिखाई देता है। वह अड़कर उसके रास्ते में बैठा होता है तो वो कहता है कि तुम यहां से हट जाओ। वो कहता है मैं बहुत वृद्ध हूं तो मैं यहां से हट नहीं सकता, तो तुम मेरे से लांग कर चले जाओ। तो वो कहता है ऐसा उचित नहीं माना जाता कि मैं पशु के ऊपर से कूद कर जाऊं, तो तुम हट जाओ। वो जिद कर लेता है तो फिर जो हनुमान जी होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो बंदर कहता है चलो तुम मेरी पूंछ हटा लो। पूंछ हटाने लगते हैं तो इतना जोर नहीं लगा पाते और वो थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बंदर कुछ ऐसा वैसा बंदर नहीं है, ये कुछ और ही है। तो वह हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे बंदर तुम मुझे अपना परिचय दो। तो इसका वृतांत भीम और हनुमान इस अध्याय में किया गया है। तो प्रश्न एक है कौन बगीचे के बीच रास्ते में लेटा हुआ था, कौन लेटा हुआ था, एक बड़ा भारी बंदर हनुमान जी। प्रश्न दो बंदर के इस प्रकार करने से मनुष्य कैसे आदेश पर क्रोध आया, जो मतलब उसने ऐसा आदेश दिया तो किसको क्रोध आ गया था बंदर को, बंदर के आदेश पर भीम को। प्रश्न तीन भीम ने अपना परिचय बंदर को कैसे दिया, भीम ने क्रोध में अपना परिचय देते हुए कहा मैं कुरुवंश का वीर और कुंती का बेटा भीम हूं। प्रश्न चार बंदर के वेश में कौन आया था, हनुमान आया था। प्रश्न पांच फूलों को देखकर भीम को किसका स्मरण आया, द्रौपदी का। तो ये थे हमारे अध्याय जो आज हमने तीन अध्याय पढ़े। होप है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।